मिल गई जाने किसकी नजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर की महिला सुपरस्टार अभिनेत्री की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले या तो देवरानी का नाम आता है या फिर विदेशी मूल की रूबी मेयर्स का, जिन्होंने अपना नाम बदल कर बाद में सुलोचना कर लिया, उनका नाम आता है। लेकिन अगर आपने नसीम बानो के बारे में नहीं सुना है तो फिर अपने उस दौर की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री को मिस कर दिया जो स्कूल भी जाती थी। तो पालकी में बैठकर देविका रानी और सुलोचना के चर्चे अपनी तरह से होते थे, लेकिन किसी हीरोइन के नाम पर फिल्में देखने का हिंदी सिनेमा में अगर किसी के नाम से शुरू हुआ तो वह नसीम बानो ही थी। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। नसीम बानो का फिल्मी कनेक्शन आज के हिसाब से समझना हो तो जानना काफी है कि वह मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो की माँ थी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे दिलीप कुमार की सासू माँ। चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। 4 जुलाई 1916 को दिल्ली के एक रईस परिवार में जन्मी नसीम बानो का पहले रोशन आरा बेगम नाम था। उनकी माँ चाह रही थी कि नसीम डॉक्टर बने, लेकिन फिल्मों के शौक ने उन्हें माँ से बगावत करने पर मजबूर कर दिया। एक बार मुंबई की यात्रा के दौरान नसीम एक फिल्म की शूटिंग देखने गई, जहां उनकी मुलाकात सोहराब मोदी से हुई। सोहराब मोदी ने नसीम की खूबसूरती को देखते हुए उनकी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि नसीम बानो फिल्मों में जाएं। नसीम बानो को तो फिल्मों में ही काम करना था। वे सुलोचना की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उनकी फिल्में देख देख कर उनका झुकाव फिल्मों की तरफ ही होने लगा था। लेकिन जब माँ ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। बेटी की जिद के आगे उनकी माँ हार मान ली। नसीम बानो उन दिनों दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ रही थी। फिल्मों में उन दिनों काम करना निम्न स्तर का पेशा माना जाता था, जिसकी वजह से नसीम बानो को स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 1935 में सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून से की। इस फिल्म में काम देने से पहले सोहराब मोदी ने नसीम बानो के साथ अनुबंध किया और वे उन्हीं के बैनर मेरबा मूवी टोन की ही फिल्में करेंगी। सोहराब मोदी की बनाई फिल्मों खान बहादुर, मीठा जहर, वसंती जैसी फिल्मों में काम करने के बाद नसीम की खूब चर्चा होने लगी और दूसरे निर्माता भी उन्हें फिल्मों के ऑफर देने लगे। लेकिन सोहराब मोदी के साथ अनुबंध में रहने की वजह से वह बाहर की फिल्में नहीं कर पा रही थी। फिल्म शीश महल नसीम बानो की सोहराब मोदी के साथ आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में नसीम बानो के काम की खूब सराहना हुई। इस फिल्म के बाद सोहराब मोदी के साथ अनुबंध को लेकर नसीम बानो और सोहराब मोदी के साथ अनबन होने लगी। नसीम बानो हमेशा के लिए सोहराब मोदी की फिल्मों से दूर हो गई। इसके बाद नसीम बानो ने फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म चल चल रे नौजवान में अशोक कुमार के साथ काम किया। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त एहसान उल हक से शादी करने के बाद खुद ताजमहल पिक्चर के नाम से अपने प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। साल 1942 में नसीम बानो ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म बेगम का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने मुलाकात, चांदी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने कुछ एक्शन फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्में चली नहीं। इन्हीं दिनों देश में अंग्रेजी के खिलाफ चल रही आजादी के लड़ाई भी जोरों पे थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नसीम बानो के पति एहसान पाकिस्तान चले गए। वह चाहते थे कि नसीम बानो भी उनके साथ पाकिस्तान चलें, लेकिन नसीम बेगम ने पाकिस्तान न जाकर उन्होंने देश भारत में रहने का फैसला किया और अपनी बेटे सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद के साथ हिंदुस्तान में रह गई। बेटी की बीमारी की खबर से टूट गई नसीम। पाकिस्तान जाने के बाद नसीम बानो के पति फिर कभी वापस हिंदुस्तान नहीं आए। नसीम बानो ने ही अकेले अपने बच्चों की परवरिश की और बाद में दोनों बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गई, लेकिन वहाँ पर ज्यादा दिनों तक ठीक से नहीं रह पाई क्योंकि सायरा बानो को खून की बीमारी हो गई थी। कुछ लोगों ने जब कहा कि ये ब्लड कैंसर के लक्षण है तो इस बात से नसीम बानो पूरी तरह से टूट गई। बाद में पता चला कि ब्लड कैंसर जैसी कोई बात नहीं है। इलाज से ठीक होने के बाद सायरा बानो को लेकर फिर मुंबई शिफ्ट हो गई। सायरा बानो की राजेंद्र कुमार से दोस्ती पर एतराज। बम्बई जाने के बाद सायरा बानो ने अपनी माँ नसीम बानो की तरह फिल्मों में अपना कैरियर आजमाया। शम्मी कपूर के साथ उन्होंने जंगली फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके बाद वे राजेंद्र कुमार के साथ फिल्मों में नजर आई। उन्हीं दौरान राजेंद्र कुमार के साथ उनके संबंधों की खूब चर्चे होने लगे। नसीम बानो नहीं चाहती थी कि सायरा बानो
बानो का नाम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो 3 बच्चों का पिता हो। बाद में सायरा बानो ने अपने से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली। सायरा बानो ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो अपनी बेटी की ड्रेस डिजाइन का काम खुद नसीम बानो ही संभालती थी। 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। दोस्तों, क्या आपको सायरा बानो की माँ के बारे में पता था कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।